नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। रोनाही थाने में एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर की प्रेस वार्ता। 23 लाख रुपए का पकड़ा गया गांजा, पड़ोसी जनपद गोंडा बन रहा मादक पदार्थ गांजे का हब। उड़ीसा से गोंडा में हो रही गांजे की सप्लाई यूपी एसटीएफ और रोनाही पुलिस के संयुक्त कार्रवाई डीसीएम में भरा। 210 किलो गांजा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार। थाना रोनाही के अरकुना पुल के पास से हुई गिरफ्तारी, चार तस्कर फरार पकड़े गए, तस्कर आजमगढ़ के। अयोध्या से मोहम्मद जसीम, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। 2022 की सुबह थाना रोनाही पुलिस द्वारा और एसटीएफ की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई में एक डीसीएम से लगभग 210 किलो और 600 ग्राम के आसपास गांजा पकड़ा गया है। दो अभियुक्त जो डीसीएम में थे उसकी गिरफ्तारी की गई है। पूरी सप्लाई चेन को स्टडी किया जा रहा है, कहाँ से लेकर चले थे, कहाँ डिलीवर करना था इनको, और भी जो भी इन्होंने नाम बताए हैं पूछताछ की जा रही है और विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध भी की जाएगी। जो दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं तो जेल भेजा जा रहा है। कितनी लागत होगी सर गांजे की? गांजे की जो लागत है 23 से 24 लाख के आसपास की बताई जा रही है मार्केट प्राइस के हिसाब से। कितने गिरफ्तार किए गए? कुल दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं मौके से, कुछ नाम और बता रहे हैं उनके विरुद्ध भी हम टीमें लगाकर जल्द कार्रवाई।